पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लगी है। कनाली छीना विकासखंड के चरमा सड़क तक आग पहुंच गई है, जिससे अब ग्रामीणों को आग फैलने का डर सता रहा है। अभी तक आग बुझाने के जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया है और लगातार तेजी से आग फैलती चली जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर है पिथौरागढ़ की कनाली छीना विकासखंड की, जहां पर चरमा सड़क तक आग पहुंच गई है, लेकिन अभी तक आग काबू पाने की कोई कोशिश नहीं शुरू हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आग लगी है। सैकड़ों हेक्टेयर की वन संपदा इसमें जलकर राख हो गई। हालांकि इसके लिए हर साल वन विभाग की ओर से इस पर नियंत्रण की बात तो की जाती है, पर अभी तक कोई योजना सामने नहीं आई है, जिसको लेकर अनुरा सांसद अजय टमटा ने बताया कि जंगलों में आग का मुख्य कारण चीड़ के पत्ते होते हैं, जिसको लेकर सरकार वन विभाग के साथ मिलकर पॉलिसी बना रही है। तो आग को रोकने को लेकर प्लान बन रहा है, वन विभाग के साथ नई पॉलिसी पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन फिलहाल आगों का लगने का सिलसिला जारी है। जंगलों में आग लगने के कारण से बहुत बड़ी समस्या हर बार उत्तराखंड राज्य के लिए होती है। हमने पिछले बार भी वन विभाग के माध्यम से बहुत सारी पॉलिसियों को बनाने का काम किया है, और जंगल में आग लगने का कारण है सबसे ज़्यादा पाइन ट्री की झड़ने वाली पाइन नीडल, और पाइन नीडल के लिए हमने करीब 28 लोगों को यहाँ पर अनुबंधित किया है, जो उसकी पाइन नीडल्स को उठाएं और उठा करके गैसी फायर के माध्यम से ऊर्जा डिपार्टमेंट को, जो हमारा अक्षय ऊर्जा डिपार्टमेंट है, उसको वो बिजली बना करके दे। उस पर चूंकि उनकी कई जगह लोगों के प्राण लग गए हैं, कई लोग उसको चालू कर दिए हैं, कुछ लोग चालू करने वाले हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। अभी मैं आज की बैठक में एक विषय और ले रहा था कि मनरेगा के माध्यम से भी गांव के आसपास मनरेगा के लोगों को लेकर के हम जो फायर के लाइंस बनती हैं, वो लाइंस बना करके आग में नियंत्रण प्राप्त करें, इस दिशा में भी काम चल रहा है।